हाय गाइस, मैं हूं अन्वेषा और मैं लेके आ गई हूं आज आपके लिए कुछ ऐसे विंटर डाइट प्लान के सीक्रेट्स एंड टिप्स जो आपको हेल्प करेगी आपकी वेट लॉस जर्नी में या फिर आपने वेट लॉस में अगर आप स्टार्ट कर रहे हो या स्टार्ट करने का सोच रहे हो तो डोंट प्लीज थिंक कि अभी विंटर है, अभी तो क्या स्वेटर पहनना है, जैकेट्स पहनना है, वैसे ही फैट अंदर चली जाएगी, खाते जाओ। यूजुअली लगती भी ज्यादा भूख है, बॉडी को चाहिए थोड़ा ज्यादा खाना। एंड यू नो, इन दैट चक्कर में कि चलो स्वादिष्ट खाना मिल रहा है तो बहुत ज्यादा ओवरडू कर जाते हैं और समर पहुंचते पहुंचते हमारा वजन वैसे ही 4-5 किलो बढ़ जाता है। तो वेट लॉस के लिए कैलोरी डेफिसिट में रहना बहुत जरूरी है। नाउ दिस टर्म ऑफ कैलोरी डेफिसिट डिफर्स फ्रॉम इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल। ओके, बॉडी की हाइट, करंट वेट, करंट कंडीशन के ऊपर डिपेंड करता है एक हेल्दी कैलोरी डेफिसिट, जिसमें आप मैक्सिमम 0.5 kg to 1 kg मैक्सिमम 1 kg इन अ वीक यू शुड टारगेट इन योर वेट लॉस जर्नी। मैं आपके साथ कुछ सीक्रेट्स एंड टिप्स शेयर करने वाली हूँ जो आप जरूर आजमाइए इफ यू वॉन्ट टू स्टार्ट योर वेट लॉस जर्नी और इफ यू आर प्लानिंग टू डू अ वेट लॉस जर्नी इन दिस विंटर सीजन। यू नो एनी थिंग यू वॉन्ट टू स्टार्ट, उसके लिए सबसे पहले आपको माइंड सेट चाहिए। यू नीड टू बी थरो एंड क्लियर हियर कि कंसिस्टेंसी, पेशेंस, डिसिप्लिन एंड डेडिकेशन चाहिए। वेट लॉस जर्नी ऐसे लीनियर ऐसे नहीं होती है, ऊपर नीचे ऐसे चलती रहती है, क्योंकि अभी मुझे हो गया काफी टाइम, खुद का तो हुआ ही था काफी पहले, बट मैंने बहुत सारे क्लाइंट्स भी मैं डील करती हूँ अपने डाइट प्रोग्राम कंसल्टेशन में। पॉइंट नंबर 1, आप ये मत सोचिए कि विंटर है तो कुछ स्पेसिफिक कुछ डिफरेंट होगा डाइट प्लान समर से। डिफरेंस ये होता है कि इस टाइम जो आपको फल मिलती है, जो सब्जियां मिलती है, वो अलग होती है, सीजनल हो जाती है। तो अभी आपके पास जो भी सीजनल फ्रूट्स अवेलेबल होंगे, जो सीजनल सब्जियां अवेलेबल होगी, क्योंकि विंटर वेजिटेबल्स आर अ ड्रीम, सो गेट होल्ड ऑफ देम, ग्रैब देम, ट्राई टू इंक्लूड देम एज मच एज पॉसिबल इन योर डाइट इन फॉर्म ऑफ सैलड्स, इन फॉर्म ऑफ सब्जी, सूप्स में अंदर, रोटीज में बनाइए। जस्ट ट्राई टू इंक्लूड मोर ऑफ दीज काइंड ऑफ वेजिटेबल, इंक्रीजेज योर फाइबर इनटेक, ऑल्सो हेल्प्स यू इन योर वेट लॉस जर्नी। Point number 2, if you are a roti lover, like if you enjoy eating rotis at night, तो रोटी में आप फ्लावर थोड़ा चेंज कर सकते हैं। You can bring in quality millets जिसकी GI और ग्लाइसेमिक इंडेक्स थोड़ी लो हो, like रागी, बाजरा, ज्वार, फॉक्सटेल, दीज आर समथिंग वेरी इजिली अवेलेबल इन द मार्केट और ऑनलाइन कहीं से भी आपको मिल जाएगा। आप इसको वीट के साथ मिक्स करके घर पे ही अपने यू नो होम मेड कस्टमाइज वेट लॉस स्पेसिफिक एक फ्लावर भी बना सकते हो। पॉइंट नंबर 3, फॉर माई राइस लवर्स, ओके, बंगाली, साउथ इंडियंस राइस लवर्स हु वॉन्ट राइस ऑल द टाइम, सी ड्यूरिंग द वेट लॉस जर्नी इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप राइस को मॉडरेशन में खाए, कंट्रोल करें। लेगा, मैं नहीं कह रही हूँ कि आपको ऑमिट करना पड़ेगा, मैं कह रही हूँ आपको थोड़ा क्वान्टिटी मॉडरेशन में लाना ही पड़ेगा। ओके, इफ यू आर समबडी हु लाइक्स ब्राउन राइस, सिंगल पॉलिश राइस, डेफिनेटली गो फॉर इट, बट अगेन दैट ऑल्सो नीड्स टू बी क्वान्टिफाइड, ज्यादा आप नहीं खा सकते। ओके, यू कैन ऑल्सो बैलेंस द राइस का क्वान्टिटी एंड पोर्शन बाय एडिंग some vegetables to it. Sometimes you can try quinoa. I was also somebody who used to not like quinoa at first, but then I started having it and started adding a lot of vegetable salad ke form mein, you know, egg whites dal ke, then I made like a amazing thing out of it, and I'm very happy that I nowadays have quinoa as well. So always mix and match. Point number 4, वाटर। नाउ विंटर एंड वाटर इनटेक कम हो जाना बहुत आम बात है, डिहाइड्रेटेड रहती है, यूजुअली डिहाइड्रेटेड रहती है, आपको लग रहा है स्वेटिंग नहीं हो रही, प्यास नहीं लग रही है, तो आप पानी पियोगे नहीं। एंड वेट लॉस जर्नी में यू शुड बी हैविंग अ लॉट ऑफ वाटर, 3 to 3.5 आपको टारगेट करना ही चाहिए इन अ डे, खास करके विंटर में भूल मत जाइए। इफ यू डोंट लाइक टू हैव नॉर्मल वाटर बिकॉज चिल्ड है, तो हल्का सा ल्यूक वार्म करके पी लीजिए, दैट विल ऑल्सो रियली 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 हेल्प यू इन योर वेट लॉस जर्नी। Point number 5, something that I see a lot of millennials these days skip is breakfast. Now, is breakfast the most important meal of the day? That is questionable. It's under question because, see, a lot of people do not feel hungry for breakfast at all. That also depends on their lifestyle care. Maybe they have dinner very late, which is very wrong. In your weight loss journey, you should not be having a dinner so late. Agar aap fitness specific ho, focused ho, it's very good ki body clock ke hisab se aap chale. अगर आपकी अब एज कम है, इट्स मैनेजेबल, यू कैन स्टिल मैनेज विद द बेस्ट ऑफ स्लीप साइकिल, बट एज यू एज, यू नो दैट बॉडी ऑल्सो गिव्स अप एंड हैज साइंस टू शो इट, सो बेटर हैव अर्ली डिनर्स एंड नेवर स्किप ब्रेकफास्ट। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस कि बहुत लोगों के पास टाइम नहीं होता हमेशा ऐसे खाना अलग से डाइट स्पेसिफिक खाना बनाने को,
सो अ वेरी क्विक ऑप्शन कैन बी ओट मील्स, या क्विकली इंस्टेंटली मिल्क में ओट डाल के थोड़े पोमेग्रेनेट, थोड़े हाफ बनाना और मे बी समडे एप्पल्स, ये सब डाल के आप एक ओट मील बना के. बट बहुत लोगों के लिए मैंने देखा है टू हैव दैट ओट मील ऑल्सो बिकम्स वेरी बोरिंग. और अगर आप कभी कभी ओट मील बनाते बनाते बोर हो जाते हैं और कुछ अदर हेल्दी ऑल्टरनेटिव ढूंढ रहे हो जो कि फास्ट भी हो और जल्दी भी हो जाए, तो मेरे पास एक नया ऑप्शन है आपके लिए जो मैं भी बहुत रिसेंटली यूज करा, मैंने स्टार्ट कर दिया है. दे आर द योगा बार्स म्यूजलीज. दे कैन बी हेल्दी ऑल्टरनेटिव टू योर रेगुलर ऑयली फैटी इंडियन ब्रेकफास्ट. ओके, दिस वन इज ग्लूटेन फ्री, हैज नो प्रिजर्वेटिव एंड इट्स रिच इन आयरन, हैज ओमेगा 3, अ लॉट ऑफ प्रोटीन इन इट, एंड ऑल्सो बिकॉज इट हैज अ लॉट ऑफ फाइबर सो इट कीप यू फुल फॉर अ लॉन्गर टाइम. इट्स गुड फॉर वुमेन बिकॉज इट्स ऑल्सो अ लॉट ऑफ आयरन रिच. स्पेसिफिकली अगर आपको बिंज ईटिंग का प्रॉब्लम है तो समथिंग लाइक दिस विल रियली हेल्प यू. What I like to do personally is love the yummy dark chocolate flavor first of all. तो मैं उसमें milk add करती हूँ and then I cut some fruits to it. And if you are comfortable with whey, you can also add one or half scoop of whey to it. And it makes a perfect breakfast, quick breakfast routine. तो मैं link नीचे description box में दे दूँगी. आप जरूर इसको try कर सकते हो. ओके, नेक्स्ट पॉइंट आता है जो कि डिनर स्पेसिफिक होगा. ऑलवेज हैव एन अर्ली डिनर. Try not to have very late dinner when you are on a weight loss journey, okay? 8, maximum by 9, you should wrap it up. It's always good when you have a fixed specific goal. Now see, it's very dependent on age, metabolism, your lifestyle, your workout schedule. But an early dinner for majority of clients and majority of my experience always work. Please don't have dinner at 10:30 and then go to bed at 11. At least 2-3 ghante ka please gap rakhiye before your last meal and your bedtime. And if possible, in case your weight is stuck and you see no improvement, try to reduce the salt intake in your whatever you're cooking. Winters may definitely try to include soup along with your meals. Next point is very very important because this is the season of yummy yummy vegetables. अगर बहुत ज़्यादा carbs खाते हो जैसे उपमा हो गया, पोहा हो गया, वर्मीसिली हो गई, ये मसाला oats बनाते हो घर पे सुबह morning breakfast पे, first 1:1 ratio में vegetables and the carbs. Then it's filling also, it tastier also, और weight loss में भी आपको fiber intake ज़रूर help करेगी. Now definitely there is a lot of talk in town about protein. Protein कहाँ है, protein के बारे में बात करो. As a hardcore non-vegetarian Bengalis, we always already have a lot of protein in our diet. But it matters also non-veg people how we are cooking it. If you are making a very rich gravy out of it, or you are eating it a lot. कैलोरी इंटेक ज़्यादा होगी. जो भी खाइए नॉर्मल क्वांटिटी में खाइए, पोर्शन में खाइए. फॉर वेजिटेरियन पीपल डेफिनेटली देखिए कोई हाई सोर्स ऑफ प्रोटीन थ्रू आउट द डे कभी ना कभी रहे. यू नो पनीर हो गया, जिनको सोया सूट होता है सोयाबीन, डेफिनेटली टोफू इज देयर, दीज थिंग्स आर ऑल देयर. ओके, सो प्रोटीन डेफिनेटली पूरे दिन में खाने में थोड़ा सा रहना चाहिए. अगर आप दूध लेते हो तो दूध जरूर सही. नाउ पीपल हु आर सफरिंग फ्रॉम डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स एंड ब्लोटिंग इश्यूज, ओके, लंच में या सुबह मॉर्निंग ब्रेकफास्ट में आप एक छोटी कटोरी घर पे बनी हुई दही जरूर ऐड करके देखें, बहुत सही बनता है. अगर दही सूट नहीं होता, अच्छा नहीं लगता, छाछ बना लीजिए उससे घर पे ही, मेक अ बटर मिल्क आउट ऑफ इट. लास्ट पॉइंट, इवनिंग स्नैक, अ प्लेस वेर अ लॉट ऑफ पीपल डू गड़बड़ होता है विंटर में, खास करके जाओ मार्केट जाओ, बाहर कहीं जाओ शॉपिंग करने, ऐसे विंटर के जो मार्केट लगते हैं ना, खास करके दिल्ली गुड़गांव इधर, स्वीट्स एंड सॉल्टी, ये नमकीन वो नमकीन, इंसान मैं भी खुद देखती हूँ, मैंने लगता आज तो लेना ही लेना है. और वैसे ही विंटर में भूख लगती हमें बहुत तेज है, तो वी ऑल वॉन्ट टू हैव, वी क्रेव फॉर चाय. नाउ चाय का कंजम्पशन बढ़ जाता है, आपको लगता है कोई बात नहीं इतना सा तो ले रही हूँ, इतना सा करके चीनी के साथ दूध के साथ पता नहीं 4-5 हो जाता है कप, और ऐसे ही वो कैलोरी आयरन होता है. आपको लगता होगा कि वो तो कुछ नहीं इतना सा ले रही हूँ इतना सा ले रही हूँ, बट वो छोटी 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 इतना सा इतना इतना करके आपका वेट वजन कब बढ़ जाता है आपको पता ही नहीं चलता. और जिनको भी चाय की क्रेविंग होती है ना, अगर आप वेट लॉस जर्नी में हो, ये हमेशा मानना कि पीपल हु हैव क्रेविंग, बिकॉज आई नो दिस वेरी वेल, व्हेनेवर यू हैव क्रेविंग फॉर मिल्क टी, यू कैन नॉट हैव मिल्क टी जस्ट लाइक दैट इन द इवनिंग, यू ऑलवेज वांट टू हैव सम चटपटा, सम स्नैक्स, ये लत है. सो चाय जरूर लीजिए, पर दिन में एक बार लीजिए मिल्क टी. शाम को अगर आपको लत है तो आपको रिड्यूस वो करना ही पड़ेगा. मे बी हैव हर्बल टीज, ग्रीन टी पसंद है ग्रीन टी लो, नहीं पसंद तो यू नो सिनेमन टी है, कैमोमाइल टी है, पेपरमिंट टी है, टर्मरिक टी है, हिबिस्कस टी है, जिंजर लेमन टी है, कुछ भी ले लो. और जो ये टी होते हैं ना उसके साथ आपको मन नहीं करेगा कि एक्स्ट्रा कुछ
स्नैक्स या बिस्किट लो, ठीक है. सो यू कैन स्विच टू हर्बल टीज, रियली हेल्प. देयर आर जीरो कैलोरीज, दे डोंट ऐड ऑन टू एनी कैलोरीज इन योर बॉडी. फॉर पीपल हु वांट सम चटपटा स्नैक्स, उनका 2-3 ऑप्शन आई एम गोइंग टू गिव यू, यू विल थैंक मी लेटर. नोट डाउन कर लो, मखाना, रोस्टेड मखाना चाट घर में. सेकेंड इज भेलपुरी, होम मेड भेलपुरी, लॉट्स ऑफ वेजिटेबल्स डाल के भेलपुरी. थर्ड इज रोस्टेड चना चाट, छोटी सी कटोरी में आप हर्बल टी के साथ एंजॉय कर सकते हैं इवनिंग स्नैक्स. इवनिंग का टाइम जरूर ध्यान रखें, मील प्लानिंग कर लीजिए. लास्टली मैं ये बताऊंगी कि डाइट इज वेरी वेरी डिफरेंट. इफ यू वॉन्ट टू लूज वेट यू हैव टू कीप पेशेंस एंड यू हैव टू बी कंसिस्टेंट. सो येस, विद दैट आई विश यू ऑल द बेस्ट. स्टेप्स करें, बी एक्टिव, एक्टिविटी ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. डोंट बी लेजी इन विंटर्स. आई नो बहुत लोग कहेंगे नहीं विंटर है सर्दियाँ छोड़ दो, डाइट विल वर्क वेरी वेल, बॉडी की मेटाबोलिज्म बहुत सही काम करेगी अगर आप एक्टिविटी उसमें लाओगे. बी डेडिकेटेड, ओके. या सम डेज विल बी ग्रेट, सम डेज माइट नॉट बी दैट ग्रेट, बट डोंट वरी, आप लगे रहो, डेडिकेटेड रहो, कमिटेड रहो. मैं आपसे मिलती हूँ अपने अगले वीडियो में. आपको और क्या क्या वीडियो चाहिए मुझसे प्लीज कमेंट करके बताइएगा. वर्कआउट वीडियोस में बहुत जल्दी लेके आने वाली हूँ. तब तक आप अपना ध्यान रखें और इस विंटर डाइट प्लान को सक्सेसफुली फॉलो करने की कोशिश कीजिए अपने विंटर में एंड सी मैजिकल रिजल्ट्स. आई सी यू गाइस सून इन द नेक्स्ट वीडियो. टिल देन टेक केयर, बाय.